दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। नहराधार के अंतर्गत सबसे दुर्गम क्षेत्र लाना चेता में सहकारी बैंक पर चोरों ने सेंध लगा दी। हालांकि वे चोरी करने में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार रविवार रात को अज्ञात चोर बैंक के शटर में लगे ताले तोड़ अंदर जा घुसे, लेकिन वे अंदर चेस्ट को नहीं तोड़ पाए। इससे एक साल पहले भी इसी बैंक में चोरी का प्रयास किया गया था। एक वर्ष पहले बैंक के बाहर दीवार तोड़ी गयी थी, इस दौरान भी चोर अपने मंसूबों में नाकाम रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यह बैंक करीब दो वर्ष से बिना शाखा प्रबंधक के चला हुआ है, जिस कारण यहां पर डकैती की संभावना बढ़ती जा रही है। बड़े दुख की बात है कि पिछली रात को कोपरेटिव बैंक लाना चेता में ताले तोड़े गए, तो कुछ शरारती तत्व ने ये काम किए हैं। एक दो बार ऐसा पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि आप इस केस को ज़रा थोड़ा इसकी तहकीकात अच्छी तरह से ढंग से कीजिए, जो ये कुछ लोग है, कुछ साथी तत्व है जो पकड़ में आ जाएं। और नंबर दो बात ये कि हमारे ब्रांच में पिछले दो साल से बैंक मैनेजर भी नहीं है, और हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, रेगुलर टीचर भी नहीं है, और PSC में डॉक्टर भी नहीं है। अगर है तो डेपुटेशन पर आते हैं। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि आखिर क्यों लाना चेता में इतनी अनदेखी की जाती है? क्या हम लाना चेता वाले, हमारा बोर्ड का अधिकारी इतना नहीं है? क्यों हमारे साथ हर काम में, हर इसमें इतना अनदेखी की जाती है, हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती है, जबकि हमने नेताओं को भी अवगत कराया है इस बारे में? तो मेरा मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा हाथ जोड़ के कि कृपया आप हमारे लाना चेता में आए, देखें कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्यों हमारे को स्टाफ नहीं मिल रहा है, क्या कमी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को भी शेयर करें, और मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर। दिव्य हिमाचल TV के लिए नहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट।